दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद दोस्तों आपके लिए एक नया रिविजनरी वीडियो लेकर आया हुआ हूँ और आप इस डीवीडी के थ्रू इस मेरे रिविजनरी वीडियो को देख रहे हैं। वैसे मैंने ये सारे रिविजनरी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, आप उस चैनल में जा सकते हैं और उस चैनल का नाम है भूपेश आनंद क्लासेस। अगर आप भूपेश आनंद क्लासेस नाम से यूट्यूब में टाइप करें और एंटर करें तो आप मेरे पूरे चैनल में चले जाएंगे और आप चेक करेंगे कि आज हमारे कितनी सब्सक्रिप्शन बढ़ चुकी है। और बेटे आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है? जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियो, माइंड सेमिनार के वीडियो, टैक्स रिलेटेड वीडियो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा फाइनल का ग्रुप टू जब मैं पढ़ाऊंगा, जो भी वीडियो जब अपलोड करूंगा आपके पास मेल आ जाएगी। तो बेटे इन्हीं बातों के लिए मैं आज एक ऐसा चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसको आपको मालूम ही नहीं है कि आपके कोर्स में। बेटे हैरानगी की बात है, आप 6-6 महीने लगा रहे हो, 1-1 साल लगा रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर फेल, फिर जा रहे हो, फिर फेल। बेटे क्यों नहीं समझते, ट्रू कॉपी से भी कुछ नहीं होगा जब तक आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता होगा, जब तक आप पूरे कंसेप्ट नहीं करेंगे। आप बेटे मकड़ी के जाल में खुद ही फंस गए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई क्वेश्चन कभी पेपर में छोड़ा हो। मुझे ये भी याद नहीं आता कि मुझे सब आते हो, नहीं आते थे बेटे, मेरी भी बैलेंस शीट नहीं बनती थी। लेकिन बेटे मैंने प्रेजेंटेशन में ध्यान दिया, वर्किंग नोट्स में ध्यान दिया, कंसेप्ट्स में ध्यान दिया, इसीलिए तो मैं CA CA CM में सब बन गया। बेटे एक एक डिग्री करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आज पटेल नगर में सबसे ज्यादा डिग्री मेरे पास है और बेटे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैं अपना नाम दाखिल कराने वाला हूँ। इतने कोर्सेज अभी और कर रहा हूँ। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं इस चैप्टर को का 15-20 मिनट आपके सामने खड़ा होकर कुछ बातें करूंगा। भावना ये रहेगी कि इसी बहाने आप इसको थोड़ा सा करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर करके जाना है बेटे। पेपर में 8-10 नंबर का आ ही जाता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और बेटे हम अपनी फेस टू फेस और पेन ड्राइव क्लासेस में बेटे इसके 32 कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं। अभी दिखाऊंगा। आपने कॉन्सेप्ट के नाम पे इस चैप्टर नहीं पता तो कॉन्सेप्ट क्या किए होंगे बेटे। 32 कॉन्सेप्ट है। और बेटे ओल्ड सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में तो बार बार पूछ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन। और बेटा मेरे इंस्टीट्यूट ICSI ने तो बेटे वैल्यूएशन के ऊपर बड़े सारे कोर्सेज निकाल दिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज। तो बेटे वो कोर्स भी जरूर करने चाहिए। आपका मैंने अलग से यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने लिखा है व्हाट टू बी डन अलोंग विद CS। तो बेटे उसमें कोर्सेज बहुत सारे लिए हैं, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, आपका फायदा होगा। आपको कौन सी फॉरेन डिग्री करनी चाहिए, कौन से फॉरेन कोर्सेज करने चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है, सब लिखा बेटे, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। आइए इन्हीं बातों के साथ बेटे 32 कंसेप्ट हैं, हमारे 2 लेक्चर्स लग जाते हैं बेटे इसको कराते हैं। टू बेटे 10 तो थ्योरी के क्वेश्चन हैं और बेटे 18 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं और बेटे 8 एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। आइए हम उसी गंगा में बहते चले जाएं। मैं आपके सामने पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस, जो हमने फेस टू फेस की क्लासेस में बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर देयर। बेटे वैल्यू में और प्राइस में बड़ा डिफरेंस होता है। बेटे जैसे ये पेन है बेटे, इसका प्राइस 5,000 रुपए, मैंने 5,000 में खरीदा बेटे। इलेक्ट्रॉनिक में ना, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पे कर रहा हूँ। अच्छा बेटे लेकिन इसकी वैल्यू 5,000 से अलग भी हो सकती है और 5,000 से कम भी हो सकती है।
मान के चले कि एक फिरंगी यूरोप से हमारे देश राजस्थान में, हमारे देश पधारो राजस्थान में घूमने के लिए आया, और बेटा राजस्थान में अपने ग्रुप के साथ आया, अचानक बेटे अंधेरी आ गई और वो अपने ग्रुप से अलग हो गया, कहाँ चला गया उसे खुद भी नहीं पता, उसका ऊंट उसे कहीं ले गया, 2 दिन हो गए नहीं मिला, 3 दिन हो गए नहीं मिला, अब तो बेटे इसने पानी भी नहीं पिया 3 दिन से, खाना भी नहीं खाया, अब तो बस इतनी एनर्जी भी नहीं है कि उसकी आंखें भी खुले, बेटे अब तो वो लेट सा गया अधमरी हालत में, कभी कभी आंखें खुलती तो कहता पानी पानी पानी। बेटे बेटे रेगिस्तान के किसी 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 तूफान में फंस गया और कहीं दूर निकल गया उसका ऊंट लेकर, बेटे पानी तक नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन बेटे उसके एक किनारे में एक गांव था, वहां से एक बंजारन अपने बच्चों के लिए, जो गांव एक दूसरा इस रेगिस्तान से गुजर के दूसरा गांव में जाएगी या जा रही है, उसके हाथ में एक ठंडी बिजलरी की पानी की बोतल है और पायल पहनी हुई है, बेटे छन 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 करके वो इस गांव से उस गांव जा रही है, और बेटे रास्ते में यही रेगिस्तान पड़ता है, यही रेगिस्तान। बेटे जैसे ही वो पहुंची बीच में, उस फिरंगी ने उसको देखा, इस बंजारन ने भी फिरंगी को देखा, मान के चलिए कि फिरंगी ने अपने हाथ की 5 उंगलियों में, जैसे मैंने 3 उंगलियों में अंगूठियां पहनी है, उसने भी अंगूठियां पहनी थी, सारी सोने की थी, बोल रहा है पानी पानी। अब मुझे बताइए जो बंजारन 20 रुपए की बोतल पानी की लेकर आई है ठंडी ठंडी उस गांव से उस गांव जाने के लिए, और बेटे अपने बच्चों के लिए पानी लाई है, क्या लगता है अगर वो फिरंगी उससे वो बोतल खरीदे और वो बंजारन कहे कि मुझे अपने हाथ की सारी सोने की अंगूठियां उतार के दे दे, तो बेटे क्या वो देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा बेटे, उस समय उसकी जान की वैल्यू बेटे 5 अंगूठियां नहीं है, मतलब वो पानी की वैल्यू उस समय 5 अंगूठियां है, लेकिन पानी का प्राइस 20 रुपए है। तो बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। तो वैल्यू क्या चीज होती है? मैं कहूंगा जी वैल्यू का मतलब है हाउ मैनी फ्यूचर बेनिफिट्स यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट एसेट, आप उससे कितना बेनिफिट उठा पाएंगे उसको बोलते हैं वैल्यू। जैसे बेटे नरेंद्र मोदी जी ने बराक ओबामा के आने पे एक सोने वाला सूट सिलवाया था 2-2.5 लाख का, लेकिन उसको बेचा गया तो नीलामी कितनी हुई, कई करोड़ रुपए की, सूरत के किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो बेटे जिसने भी खरीदा वो वैल्यू है, बनाया गया वो बेटे प्राइस है। एक मूवी आई थी दम और दम, जिसमें दीपिका पादुकोण ने बहुत छोटी सी स्कर्ट पहनी थी, बेटे न्यूज़पेपर में आया कि उस स्कर्ट की नीलामी हुई, कपड़ा तो 2-2.5 मीटर में नहीं होगा बेटे, प्राइस तो 200 रुपए, लेकिन उसको पहना किसने था? दीपिका ने, तो बेटे करोड़ रुपए में वो स्कर्ट दिखी। तो मैंने कहा वैल्यू का मतलब है हाउ मच बेनिफिट यू विल गेट। जैसे विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड कितने ब्यूरोज में परचेज की, जो टीपू सुल्तान ने यूज की थी, अगर प्राइस देखें तो कुछ अलग ही है। तो बेटे मैं जो चैप्टर कर रहा हूं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। बेटे सिक्योरिटीज 2 तरह की होती बेटे, एक होती है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, जिसमें से फिक्स्ड इनकम मिलती है, और दूसरी होती है नॉन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। बेटे जैसे बॉन्ड्स, बेटे जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, बेटे जैसे इक्विटी शेयर्स, जहां से फिक्स इनकम आती है उसको बेटे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में मैं मुख्य तौर पर यह करने वाला हूं कि अगर एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, बॉन्ड्स लेना चाहे,
या इक्विटी शेयर्स लेना चाहे तो उसको कितने पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टर क्या करेगा, उसका फ्यूचर बेनिफिट चेक करेगा कि अगर मैं ये एसेट ले लूं तो मुझे फ्यूचर बेनिफिट कितना होगा, और उस फ्यूचर बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उस फ्यूचर बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उस प्रेजेंट वैल्यू को बोलेंगे वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। तो बेटे यही सिद्धांत है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। आइए एक बार देखें इस स्लाइड्स में मैंने क्या क्या बताया हुआ है आपके लिए। तो बेटे सबसे पहले मैंने कंसेप्ट वन लिखा था। अच्छा, उससे पहले भी मैं कंसेप्ट बता दूं कि मैंने कितने कंसेप्ट किए। लो बेटे, पहले मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग ऑफ अ बॉन्ड है, फिर मैंने बताया इसमें बॉन्ड में क्या क्या टर्म्स यूज होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है, परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होती है। बेटे कंसेप्ट थ्री देखो, फोर्थ देखो, बेटे फिफ्थ कंसेप्ट, क्या ये बॉन्ड्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है। बेटे ये सारे कंसेप्ट करके जाने हैं, ये बेटे आपके पेपर में आ रही है। प्लीज आप जरूर अपने टीचर को बोले कि आपको ये सारे कंसेप्ट कराए जाए, और नहीं तो आप उनको बोले कि वो आपके लिए पहले यूट्यूब में मेरा वीडियो देख ले, सीख ले और उसके बाद आपको पढ़ा दे, और नहीं तो आप डायरेक्टली देख लें, और नहीं तो मेरे पास आ जाए। उद्देश्य एक ही है, एक लवे का एक ही उद्देश्य था, बस वीर धनुर बनना है। आइए जी, आइए ये सारे कंसेप्ट बेटे हमने करने, 32 कंसेप्ट करेंगे। पहले के कंसेप्ट बॉन्ड्स के ऊपर है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। फेस टू फेस में मैं सारे कंसेप्ट कराता हूं, और बेटे उनको लिखवाया मैंने, चेक करिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। दो तरह की सिक्योरिटीज होती है बेटे, फिक्स्ड इनकम एंड वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ एन एसेट, मीनिंग ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स अ डिबेंचर अ सिक्योरिटी, टू टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। ये सब बेटे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। टर्म्स यूज, फेस वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, प्रीमियम, मेच्योरिटी, कूपन रेट, कूपन अमाउंट, और बेटे कॉस्ट ऑफ डेट कराया था बेटे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग डिस्काउंटिंग रेट एंड कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। तो ये अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं बेटे। फिर वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड, अभी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। बेटे एक बॉन्ड में जो रिडीमेबल बॉन्ड होते हैं बेटे, मान लो 10 साल का बॉन्ड है, तो 10 साल तक एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बेटे 10वें साल उसकी रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। और बेटे मैं यहां खड़ा हूं तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर दूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, और बेटे यहां की वैल्यू निकाल लूंगा, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, और इसको कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा कि बेटे ये कंपनी कितने में इसको दे रही है या बाजार में इस बॉन्ड का वैल्यू क्या है, तो ही तो पता चलेगा whether it is underpriced or overpriced। बेटे जो पोर्टफोलियो में किया था अल्फा के लिए, तो बेटे बिल्कुल वही चीज करने वाले हैं। How to calculate this? तो बेटे value of a zero coupon bond। हाय राम, बेटे बहुत बार थ्योरी में भी आ गया, जीरो कूपन मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, जिसको हम बोली लगाकर बेचते हैं, सस्ते में बिकता है और फेस वैल्यू मिलती है जब वो रिडीम होता है। तो बेटे इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, रिटर्न्स निकाल सकते हैं, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, बेटे बड़ी मेहनत की है आपको, तो टॉपिक नहीं कराया बेटे, मैंने तो पूरा कराया फेस टू फेस में पेन ड्राइव की क्लासेस में। वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद चेंजिंग कूपन रेट, बेटे बॉन्ड के फ्लैट रेट भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग रेट भी हो सकते हैं,
और एक चीज मैं और बता दूं, YouTube का मतलब है आपने अपनी हर चीज अपना स्टाइल ब्लॉगों को बताया। और बेटा जिसको अपने स्टाइल पे कॉन्फिडेंस होता है ना, वही YouTube में अपने वीडियोस अपलोड करता है। आप मेरे कमेंट्स देखिए, मेरी सब्सक्रिप्शंस देखिए, बेटा जिसको अपने ऊपर डर होता है ना, वो कभी भी यूट्यूब पे नहीं करता, क्योंकि उसको पता है वो जुगाड़ से कर रहा काम। और बेटा जुगाड़ कभी नहीं चलता, ये सबसे रियल टेस्ट है। जिस जिस टीचर के पास क्वालिटी है वही यूट्यूब में डालने की हिम्मत करता है, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं बेटे। आइए जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने बताने, अच्छा रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड HPR पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया था। और बेटे इसमें यील्ड टू मैच्योरिटी जरूर करके जाना। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है अगर एक डिवेंचर आप शुरू से लास्ट तक रखते हैं तो उसमें आपको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं YTM। बेटे IRR जो मैंने समझाया था कैपिटल वेटिंग में, बिल्कुल IRR ही तो निकालना था, याद है मैंने कराया था। तो बेटे yield to maturity of a bond करके जाना है, बिल्कुल IRR ही होता है बेटे। The rate at which present value of inflows is equal to outflows। तो बेटे इसके बाद मैंने valuation of shares की बातें शुरू कर दी थी। आइए जी, effective annual yield के बाद ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, इफेक्टिव ड्यूरेशन, मार्कलेस बॉन्ड ड्यूरेशन, सब कुछ बताया बेटे। मैं ये आपसे कहता हूं कि आप प्लीज करके जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। अब मैं इक्विटी शेयर्स की बातें बताने वाला हूं कि इक्विटी शेयर्स में क्या करना है। एक छोटी सी कहानी दिखाना चाहता हूं, एक मिनट के लिए सुनिए, एक वीडियो देखिए। ये कौन सा वीडियो है बेटे? इकबाल का, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन मन में आशा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्रिकेटर बनूंगा। सच में आशाएं अगर हैं, सपने हैं, जीरो में अंबानी यही तो कहते थे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बेटे जितने बड़े बड़े सपने होते हैं उतनी जल्दी पूरे होते हैं। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है बेटे। फिर मैंने सिक्योरिटीज में बॉन्ड की वैल्यूएशन के बाद, जैसे मैंने कहा जी बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइमलाइन बनाइए, समय की रेखा, इंटरेस्ट वन, इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट थ्री, इंटरेस्ट एन, और इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू। बेटे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बेटे, यही तो वैल्यू है, इसी को तो बोलते हैं वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। बेटे इसके बाद मैंने ये कहा कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं और पेपर में बार बार आ रहा है। बेटे इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, एक तो लाइफ इनफाइनाइट होती है, और बेटे रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। जरूरी नहीं है कि डिविडेंड आपको मिले, बेटे कितना मिले जीरो भी हो सकता है, और बेटे डी टू कुछ हो भी सकता है। तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की निकालने के लिए आपको मैंने बताया था हम मायरॉन गॉर्डन मॉडल यूज करेंगे। क्योंकि बेटे मायरॉन गॉर्डन क्या कहता है कि अगर आपको फ्यूचर ईयर के डिविडेंड के बारे में पता है तो वो ग्रो कर रहे हैं। और बेटे अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो बेटे उन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। लेकिन बेटे आपको मैंने जो फेस टू फेस में क्वेश्चन कराया था उसमें ये बताया था कि बेटे गॉर्डन का मॉडल तभी यूज कर सकते हैं जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर ग्रोथ रेट 5% है, फिर 8% है, और फिर 3% है इनफाइनाइट तक। तो बेटे यहाँ D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, और यहाँ पर गॉर्डन यूज करो और फिर टोटल कर दो, इसको बोलते हैं बेटे P0। बेटे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स जरूर आ रहा है, करके जाना है, बॉन्ड करके जाना है, थ्योरी करके जानी है। अगर आपको नहीं कराया गया, मेरे YouTube पे वीडियोस देखिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपका फायदा होगा, मैं चाहता हूँ कि आप पास हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। शब्बा खैर, भगवान करे कि आप जल्दी से अपने सपने पूरे कर लें, भले हम लाइफ में मिले या ना मिले,
लेकिन आपके मन में एहसास तो रहेगा कि एक वीडियो देखा था, तो शायद आपको कुछ हल्की सी चिंगारी अंदर जली और आपने उस चैप्टर को किया और आप पास हो गए। बस बेटे वो एहसास मेरे पास उड़ के अपने आप आ जाएगा, इसको वाइब्रेशंस बोलते हैं बेटे। बस बेटे मैं इन्हीं बातों के साथ आपको नहीं जानता नहीं देखा, लेकिन शुभकामनाएं दूंगा, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं।